हेल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी कह सकते हैं ना। कह सकते हैं, लेकिन फ्रॉम द मेटल सरफेस पूरी लैंग्वेज ही होगी। ओके सर, सर हाँ सर, लूजली भी कहना सही रहेगा ना। कह सकते हैं वो तो फ्रॉम द मेटल है तो अपने आप ही लिखा है ये चीज। चलो सर बोर मुझे मॉडल में डाउट बताओ। सर एक लैम्डा से रिलेटेड डाउट तो पूछ सकते हो हाँ सर? लैम्डा से ये था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वेव के फॉर्म में ही मूव करता है कि स्ट्रेट लाइन मूव करता है, नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ही नहीं ना, वो वेव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करेगा वो चीज तो लैम्डा उसका जो वेव का वेव है उसका वो है है। लैम्डा वेव तो प्रोबेबिलिटी, मैटर वेव मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है मैटर वेव। मैटर वेव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका लैम्डा वो लैम्डा है जो हम डी ब्रोगली से निकालते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, वैसे इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा ना? इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल नेचर होगा तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा ना। ये बताओ साउंड स्ट्रेट लाइन में मूव करता है? नहीं, हाँ तो बस, लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। दोनों वेव, दोनों ओके वेव है ना, हाँ, तो कौन स्ट्रेट लाइन में करेगा कौन नहीं वो वेवलेंथ की प्रॉपर्टी है, मतलब उसके पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल का इफेक्ट कितना ज्यादा है, वेव का इफेक्ट कितना ज्यादा है। तो आप ये कह रहे हो ना कि जिस स्केल पे देख रहे हैं उस पे डिपेंड कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर जब ये एक बार ये पूछनी थी सर कि जब सर एक इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा होता है तो सर वो बीच की जगह तो ऑक्यूपाई करेगा ना, मतलब जाते समय, तब तो आएगा सर ना वो ऐसे वही होगा, छोड़ यहां से देगा। यहां गया काफी जल्दी, यहां से यहां पहुंच जाएगा, यहां से यहां और इधर घूमने लग गया। तो ये मतलब काफी कम टाइम असली रहेगा। वेव की तरह है, तो वेव ऐसे मत सोचो कि ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जाते हुए दिख रहा है। पहले इसकी यहां जाने की प्रोबेबिलिटी यहां थी, अब यहां जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी हाईएस्ट है। ठीक सर, बोर मॉडल में जो हमारा स्पायरल वाला लिमिटेशन था कि वो अंदर चला जाएगा न्यूक्लियर स्क्वायर, वो कैसे ओवरकम हुआ? स्टैंडिंग वेव से कि एनर्जी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जो भी है इसकी एनर्जी कन्फाइन हो गई ये इस ऑर्बिट में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप का हो गया। तो वो सोचना ही गलत हो गया था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेक्ट इमिट होती है, वो सिर्फ तभी इमिट होती है जब एक और स्टेबल पोजिशन से दूसरी स्टेबल पोजिशन पे जाता है। अगर अपनी ओके स्टेबल पोजिशन पे बना रहा तो नहीं होती। ओके। तो पहले मतलब इनिशियल के मॉडल्स में ये क्यों सोच रहे थे कि एम वेव्स एमिट हो रही है, उसका कुछ क्योंकि हो एक्सपेरिमेंट रही थी, प्रैक्टिकली हो रही थी, मतलब कोई रेडिएशन सर? एमिट होती थी, ऑब्जर्व करते थे रेडिएशन निकल रही। ओके, वो तो ट्रांजिशन की वजह से होती थी ना कि उसको एनर्जी मिलती हाँ आ तो रही वो है। मिल रही थी तो वजह बतानी थी, तो बताया कि पहले इस ऑर्बिट में था इधर आया तो ट्रांजिशन हुआ, लेकिन ये कहा कि ट्रांजिशन हुआ तो ऐसे होना चाहिए था, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम बना डिस्क्रीट। इसका मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एट अ सडन आ गया है ये पूरी जो एनर्जी, वो सिंगल पैकेट के फॉर्म में निकली है, सिंगल पैकेट जी सर, इस फॉर्म में निकली। सर हमें ये कैसे पता है कि सारी एक्सेलरेटिंग जो बॉडीज होती हैं वो रेडिएशंस फेंकती हैं? ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा ना, ऐसी तो एलसी ऑक्सीलेशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा ही ऐसे करते हैं ऑक्सीलेटिंग चार्ज से। ओके ओके चलो बोर मॉडल में फॉर्मूले पहले याद रखना, आर एन वी एन और ई एन का। आर एन का 0.529 n² / z एमस्ट्रॉन्ग, वी एन 2.12 × 10⁻⁶ z बाय n एमस्ट्रॉन्ग। z ये निकाल लेंगे ना आरके? नहीं, याद रखना 13.6 × 10⁻², 13.6 −5। मतलब ये वैल्यू याद रखनी, एक्सप्रेशन निकाल लो। हाँ एक्सप्रेशन निकाल लो। वैल्यू याद रखो, नहीं तो निकालोगे कैसे? एक्सप्रेशन निकाल लेना। हाँ एक्सप्रेशन, क्योंकि आता हाँ रहता है वो इंटीरियर टाइम पीरियड का भी सर, आता रहता टाइम का भी याद होगी क्या था? 1.5 × 10⁻¹⁶ वो टाइम तो अगर पूछा टाइम पीरियड ना, सर। और करंट का अगर पूछा होता तो E by Q, मैग्नेटिक मोमेंट L का डिवाइड करके E by two, एंगुलर मोमेंटम mh/2π, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अगर पूछा है तो म्यू जीरो अपॉन 4π, ठीक है। तो ये सब निकाल लेना, याद रखने की जरूरत नहीं इसमें। हाँ खास चीज है कि एनर्जी वाले में ये एनर्जी हमारी क्या है, टोटल है,
तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -27.2 क्या समझ है? Yes, sir. और काइनेटिक एनर्जी है +13.6 ठीक है तो एक तो बोर मॉडल में ये पॉइंट आ गए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें और इसमें एक्साइटेशन एनर्जी टर्म आया तो जैसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आया तो क्या है ये n इक्वल टू 1 से 2 n इक्वल 1 से 2 2 में जाना ऐसे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी 1 से 3 आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से इनफिनिटी ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट अगर पूछा है तो n इक्वल टू 1 से इनफिनिटी इनफिनिटी सो इसी का आयोनाइजेशन तो n इक्वल टू 2 से 2 से इनफिनिटी कोई दिक्कत तो नहीं मतलब अगर हमें एक तरीके से एटम की मेटल की प्रॉपर्टी है ना लैटिस वैटिस पे डिपेंड करेगा वो तो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल किसके अंदर है एटम के अंदर मेटल के अंदर तो बैंड है समझ में आ गया लेवल थोड़ी होते हैं बैंड होते हैं मेटल में तो फिर जो मेटल होता है उसका फाई कांस्टेंट कैसे निकल के आता है अरे वो यहाँ से घूमने का कुछ पैसा नहीं लग रहा है यहाँ से निकलने का पैसा लग रहा है एक पर्टिकुलर मेटल का सेम है तो इसके नेबरहुड के सब उसको रोकेंगे जाने से वही अट्रैक्शन फोर्स ओवरकम करना है ना सर आयनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन भी यूज हो सकता है क्या इलेक्ट्रॉन फेंक के मारे उतनी एनर्जी का हाँ हाँ हो सकता है ना हो सकता है वो कोलिजन करा दे सर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है किसकी बाइंडिंग एनर्जी कितना उसको बाइंड करके रख रहा है जैसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी बराबर ही है न्यूमेरिकली सर बाइंडिंग जैसे नेगेटिव होगी ना हां बाइंडिंग एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी हम दे दें कि वो भाग जाए इस तरह से सर सेकंड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी n इक्वल टू 1 से 2 होगी या n इक्वल टू 2 से 3 होगी फर्स्ट देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 2 से इनफिनिटी है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की आयोनाइजेशन एनर्जी 3 से इनफिनिटी होगी आयोनाइजेशन नहीं एक्साइटेशन एनर्जी अगर सेकंड स्टेट की पूछ जाए तो n इक्वल टू 2 से 3 होगी या 1 से 2 होगी स्टेट की नहीं होती ये टर्म ऐसा लिखा होगा फर्स्ट एक्साइटेशन और सेकंड एक्साइटेशन मतलब ग्राउंड से वो लिखा हुआ है वो कहीं कहीं नहीं सर लिखा है सर एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ पूरा एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट है जैसे तो 1 से 2 है फिर 1 से 2 मैंने तो 2 से 3 होगी ना अरे क्यों सेकंड एक्साइट फिर एक्साइटेशन में बताएंगे कि कहां से कहां ले गए कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे ग्राउंड से ले गए सर ऐसा नहीं बोल सकते एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी तो कैसे डिफरेंस है ना उसमें तो नहीं हां सर 1 से 2 ही होगी सर वो आएगा वो एचसीवी में भी था वो क्वेश्चन और बुकलेट में और दोनों के आंसर अलग-अलग थे हां मैं अब बुकलेट में आएगा देखेंगे भाई चलो हां यहां तक कोई दिक्कत ये टर्म्स हम याद कर लिए तुमने अब इसमें क्या है हाइड्रोजन में ये थोड़ा याद रखना कि किसकी एनर्जी कितनी है जैसे इसकी 13.6 इसकी 3.4 13.6 by 9 3 square ये समझ गया ना yes sir 1.5 ठीक है इसकी 0.85 क्योंकि ये याद रहोगे तो बेहतर है ये कितना है 10.2 और ये 1.9 क्योंकि ये बामर सीरीज का पहला मेंबर सोचो पहला विजिबल ये विजिबल होगा क्योंकि विजिबल होने के लिए याद करो मैंने कहा था 1.5 से 3.3 इतने इसके बीच में होना चाहिए तो 2.55 ये हमारा विजिबल वाला मेंबर है और भी मेंबर हैं ऐसे चार मेंबर होंगे जो विजिबल होंगे सर ये दूसरा मेंबर नहीं हुआ बामर का हाँ ये दूसरा हाँ दूसरा तो 2.55 ये है फिर हाँ वही हाँ ये 2.55 हाँ दूसरा होगा ये कितना है और वो 65 के आसपास आएगा 0.65 हाँ
1.66 कह सकते नहीं 1.9 आएगा ना भाई यस सही था ना ऊपर वाला है 1.9 ना विजिबल कौन सी है 4 से 2 5 से 2 6 से 2 ये चार विजिबल थ्री से टू की तो 1.9 आई ना 1.5 के बीच सॉरी 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 ये चार विजिबल टू 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 थ्री से टू ठीक है तो बेसिक कम से कम याद रखना कि 10.2 क्या चीज है 3.4 ये बेसिक याद रखना तो कैलकुलेशन में मेहनत कम लगेगी ठीक है चलो अब इसमें बोर मॉडल में हाँ बाकी मैंने थॉमसन वॉमसन मॉडल अब समझ में आ गए होंगे तुमने क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है यस सर यस सर आगे समझ में कि वो एसएचएम एसएचएम की हम क्या बात कर रहे थे कि प्लम पडिंग था पूरे में प्लस है बीच में एक माइनस है माइनस को एक्स खिसकाया तो इस पे जो फोर्स आया वो आया रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू क्यू इनटू एक्स याद आया सॉलिड ये हमने प्लम पडिंग के हिसाब से सॉलिड माना तो सॉलिड का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होता है इनटू चार्ज तो ये फोर्स होगा तो ये एसएचएम करेगा तो देखो ये टाइम का टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट एम बाय के से क्लियर हां चलो सर एनी रेडबर्ग कांस्टेंट था ना सर आर एच हां उसमें 1/λ जो लिखते थे वही लिखते थे अपन RH into 1/N² वो जो ठीक है RH 1/900 होता था ना ये था रेडबर्ग कांस्टेंट Z² ये 1/900 था ना 1 हां तो Z² अगर किसी और के लिए बात कर रहे हैं तो हम ये लगा लेंगे हां क्या बोलो 1/9 की वैल्यू 1/900 होती है ना एंगस्ट्रॉम इनवर्स नहीं 1903 1/900 ही होती है वो ऐसा कुछ आया था ना हाँ, अरे ये सेंटीमीटर में हो गया ना वही चीज है तो सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर लेना सेम चीज है सर वो थ्योरी क्या कहती है 0.9687 रेडबर्ग कांस्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं देखो hc / लैम्डा इज इक्वल टू z² 13.6 या था rhc की वैल्यू आ जाएगी यहां से तो यहां से आर एच सी की वैल्यू 13.6 हो गई तो आर की वैल्यू 13.6 बाय एच सी समझ गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तो 1.6 इनटू 10^-19 और एच इतना 34 सी 3 इनटू 10 पे यह है तो रेडबर्ग कांस्टेंट कुछ 10 9 6 7 8 कुछ ऐसा बन गया था ना सेंटीमीटर इनवर्स वगैरह देख लेना ही है ना बस इसमें याद अरे भाड़ में गया वो सब ये याद रखो बस आर एच सी दरअसल दिस इज कॉल्ड 1 रेडबर्ग एनर्जी यस सर दिस इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है ये होती है क्लियर कि कई बार रेडबर्ग एनर्जी के टर्म में ही लिखा होता है जैसे बोर रेडियस होता है कई बार बोर रेडियस के टर्म में लिखा तो बोर रेडियस क्या है 0.53 ये नॉट इनटू हाफ और ये 1 रेडबर्ग एनर्जी सर अगर अपन को जैसे किसी हाइड्रोजन एटम के मॉडल में पूछा जाए कि लार्जेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी तो लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी नॉट डिफाइंड नहीं सबसे मिनिमम से इनफिनिटी वाला है ये तो सबसे मिनिमम एनर्जी होगी ना सर लार्जेस्ट वेवलेंथ ओके लार्जेस्ट वेवलेंथ भी इनफिनिटी से इनफिनिटी माइनस 1 नॉट डिफाइंड है फिर कैसे कैलकुलेट होगी भाई नहीं होगी ना एक आध क्वेश्चन वो किसी सीरीज में पूछते हैं सीरीज में पूछते हैं कि बामर सीरीज का शॉर्टेस्ट मेंबर कौन सा है मतलब हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट मेंबर ऐसा तो बामर से 2 से 3 से 2 इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है बामर सीरीज सर क्वेश्चन सर इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस 1 वाली लैम्डा मैक्स नहीं होगी ये तो इसकी एनर्जी ज्यादा है ना लास्ट में जाता
अरे बामर सीरीज बोल दिया तो टू पे ही आना है तुम्हें। अच्छा ठीक है समझ गया मैं। ठीक है हाँ सर। सर एक जो वो रेडबक्स वाली चीज थी सर, उसमें जेड का सेम है तो आइसोटोप्स के लिए क्या होगा? रिड्यूस मास का सिस्टम आएगा। वो सर वो छुड़वा दिया था, वो छुड़वा दिया था, एक क्वेश्चन था छुड़वा दिया था। अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करेंगे रिड्यूस मास। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को कंपेयर करना था, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम वाला। रिड्यूस मास मतलब वही रिड्यूस मास जो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वही m1 m2 पर m1 प्लस m2। ठीक है चलो अभी अपन रिड्यूस मास वाली वाली चीज कहां थी? वो रिवीजन में थी, एक्सरसाइज मास वगैरह में भी नहीं बताई थी, छुड़वा दी थी, वो मैं बताऊंगा बाद में, है ना। चलो अभी अपना काम कहाँ चल रहा था तो और बताओ क्लास में, तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सर बस एक थ्योरी में डाउट था कि कोई भी अगर मार्स वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो EMVS छोड़ेगा तो उससे उसकी एनर्जी में लॉस होगा, ये कहां से आई थी थ्योरी? अरे तो कहां से आएगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी है ना, ये इंटेंसिटी, एनर्जी कहां से पैदा हो रही है? ये सोर्स से ऑसिलेशन। हाँ तो खुद से ही। ओके ओके ठीक है समझ गया। सर जो डिफरेंट वेवलेंग्थ्स होती हैं उनका जो फॉर्मूला होता है NC2 वो बस सैंपल के लिए होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वो एंगुलर मोमेंटम स्टैंडिंग वेव से कैसे सोचना? एंगुलर मोमेंटम स्टैंडिंग वेव से, अरे ये बताया था ना ऐसे 2πr n स्टैंडिंग वेव बनाना है तो 2πr को n लैम्डा होना पड़ेगा और n लैम्डा h अपॉन m भी है तो m v r इज इक्वल टू n h बाय 2 पाई बन गया। अच्छा m v इधर ले जाओ। यस सर आ गया ना क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जी सर ठीक है चलो। आप ऐसे ही बोल रहे थे ना प्रूफ करने को तो हाँ, वीडियो के नीचे मैंने तो उल्टा उसमें लिखा था। मैं DCT खोल लूं, मॉडर्न फिजिक्स DCT 3 एंड DCT 4। 2 भी दी होगी शायद है ना? हाँ सर। हाँ 2 डिस्कस थी। सर मैं कोई चीज पूछनी थी, मतलब ऐसे ही कैलकुलेशन में कि सर ऑब्जेक्टिव में तो दिक्कत नहीं आ रही पर जो इंटेक ऐप पे इंटीजर्स थे आ गए थे ना उसमें मॉडर्न फिजिक्स से कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती थी। डेटा याद रखो, जितना याद रखोगे ना उतना बेहतर होगा। वो लास्ट में जो एक्सरेज वाला था ना वो सब भी आ जाता था तो उसमें तो बहुत ही गंदी कैलकुलेशन चली जाती थी अंडर रूट के अंदर। काम करना नहीं जाएगी वो हेनरी स्लो वाला। हाँ उसमें तो गंदी आती है, उसका कुछ केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ गया था उसका, उसका कुछ नहीं कर सकते यार, बहुत गंदे कैलकुलेशन होते हैं उसके। डेटा वैसे शायद अच्छा आएगा अगर पॉइंट के नहीं पॉइंट में डेसिमल में आंसर आता है उसमें भी गलत कर देता है अगर पॉइंट में डेसिमल भी अलग लगा दो। इतना नहीं करना चाहिए, इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। इतना में आए तो मतलब हम लोग अभी अभी इनमें क्वेश्चन आए तो मुझे दिखा देना अभी इलस्ट्रेशन में। मैं ये पूछना कि इसमें ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल करने की जैसे कि इंटीजर आते हैं जनरली आंसर ऐसे बनाते हैं, क्वेश्चन बनाने वाले पागल नहीं होते यार, उनको बनाना ऐसे बनाते हैं कि ठीक ठाक आ जाए डेटा कट जाए चीजें। ठीक ठीक चलो इलस्ट्रेशन तो ये हो चुके थे डिस्कस है ना, स्क्रीन शेयर नहीं है ओके अब कर रहा हूं। अब है इलस्ट्रेशन ये हो चुके थे शायद पूरे जी सर। ये DCT डिस्कस हो गई थी है ना, नहीं हुई थी DCT 2 वाली नहीं, ये DCT 2 है। चलो चलो अब पता नहीं इसमें क्या 9-10 चलो 9-10 आगरा चलो 9th का आगरा 10th का आगरा नहीं सिर्फ फोटोन ओनली चेन्नई फोटोन ओनली चेन्नई कौन सा है चेन्नई चेन्नई गलत है ना सोचो इक्वल टू पीसी सिर्फ फोटोन की प्रॉपर्टी है। अच्छा इलेक्ट्रॉन हाँ स्पीड से नहीं जा सकता सी से एनसी तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं सर 13 था सीधा 13 चलो 13 का आंसर बोलो चेन्नई हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी ये लगाना है सीधे इंटेंसिटी होती 15 चेन्नई यस सर आई बाय सी परफेक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए था परफेक्ट एब्जॉर्प्शन है कि क्या है हाँ ये प्रेशर था याद आया बॉम्बे चेन्नई यार बॉम्बे होगा हाँ रेडिएशन प्रेशर हमारा ये आया था डेल्टा पी इज मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग द इंटरवल तो चलो सर वो 15 का चेन्नई बोला था ओके 15 था
हो गया चेन्नई 15 का। टेम्परेचर हमारा 1/4 हो गया, वेलोसिटी आधी हो गई, मोमेंटम आधा, लैम्डा डबल। 16th बॉम्बे दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली 16th में। तो चलो देखो प्रेशर होता है आई बाय सी, होता है आई कितना है 30 किलोवाट, सी कितना है 3 × 10^8, तो 10^-4, ये तो प्रेशर आ गया पास्कल पहला। अब दूसरा हमसे क्या पूछा है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड। मोमेंटम ट्रांसफर्ड आएगा फोर्स ड्यूरिंग दिस, तो फोर्स इंटू टाइम, यही मोमेंटम होता है। फोर्स है प्रेशर इंटू एरिया इंटू टाइम, प्रेशर 10^-4, एरिया 100 mm², तो 100 × 10^-6, टाइम 10^3, तो 10^5, 5 वाला माइनस 5, दिल्ली माइनस 5 है 6 4 × 10^5 वाला आंसर आया ना, और प्रेशर 10^-4। ठीक है जी सर, चलो आ गया ना समझ में। किसी भी टाइम में इतना वॉल्यूम अपना पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एच बाय लैम्डा, ये मोमेंटम। और नंबर ऑफ फोटॉन्स इस वॉल्यूम में कितने हैं, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू एरिया इनटू सीटी। CT, यहाँ तक समझ आया? हाँ। By HF, हाँ। HC by lambda, into H by lambda, momentum, H by lambda ऊपर नीचे कट गया, ये हमारा force आया, area से divide कर दो, तो pressure आया force by area half epsilon naught E square by C कट गया, ये आया pressure, energy density ही pressure है। लेकिन इंटेंसिटी के टर्म में लिखना था, तो हमने सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। के वैल्यू छाप देते तो भी हो जाता फोर्स के एक्सप्रेशन में। किसकी? फोर्स के एक्सप्रेशन में। फोर्स के एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब पूरी एनर्जी अपॉन एक फोटोन के एनर्जी। हाँ हाँ हाँ। ये तो हमने फॉर्मूला सीधे यूज किया, यहाँ तो मैं ऐसे यूज कर सकते थे, एक सेकंड में कितनी एनर्जी गिरी इसको एच एफ से डिवाइड कर दो, एक सेकंड में कितने। तो जैसे किसी की इंटेंसिटी आई होती, तो आई इंटू एरिया, प्रेशर निकालना होता तो एरिया वन ले लें, तो आई इंटू वन इतनी वॉटेज बाय एच एफ नंबर, ये नंबर इंटू एच बाय लैम्डा, ये फोर्स आया, एच से एच कटा और लैम्डा और एफ का प्रोडक्ट सी सी आ गया, और ये पर यूनिट एरिया, इसीलिए प्रेशर। एरिया दिया होता तो एरिया मल्टीप्लाई कर देते तो फोर्स आ जाता। एनीवे 16 के बाद अब बोलो क्या कॉलिमेटेड बीम लिखा था ना उसमें, पैरेलल पैरेलल बीम है। कॉलिमेशन मतलब रेज सभी आपस में पैरेलल है, जैसे देखो ये कॉलिमेशन है, हमने ये डाइवर्जिंग को कॉलिमेट कर दिया। ऑटो कॉलिमेशन रिट्रेस करने का केस था ना, ये कॉलिमेशन है से स्पेशली लिखा कि ये तो कॉलिमेटिव है पैरेलल, ये पैरेलल के लिए प्रूव किया ना हमने। okay. जो एरिया यहाँ का है वही एरिया यहाँ का है, यूज किया ना हमने, सिलेंडर नहीं माना इसे हम माना था। ओके सर, चलो 17, 18, 19, 20, 21, 22 17 का डेली दिया था, 17 का डेली और बोलो केला ही दिया था, 28 28 28 चेन्नई नहीं नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी आगरा, मतलब जो गलत है वो टिक करने हैं हमें। Yes, correct kinetic energy depends on intensity. Bombay. Bombay. Wave predicts appreciable time lag. Chennai. Chennai. Maximum kinetic energy. हाँ. ABC. Just उल्टे आंसर आएंगे. सोचो क्या कहा है? तो आंसर आएगा क्या? Not correct. Delhi. Delhi only. हाँ. आंसर आएगा Delhi only. हाँ sir. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो समझ आ जाएगा. वो wave theory कह रहे हैं जो कि गलत हो गई थी.
तो वेव थ्योरी जस्ट उल्टा प्रेडिक्ट कर रही थी। अच्छा हाँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्योर पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए आया था ना, फिर ड्यूअल नेचर ने कंप्लीट किया उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 30। डेल्टा एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। हाँ सर। और एच हाइट ले लेता हूँ, ठीक है, एम जी डेल्टा एच। और डेल्टा ई एच डेल्टा एफ लिख सकता हूँ। अब ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, जरा ऑप्शंस देखो, फ्रीक्वेंसी इतनी कम है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये है। तो डेल्टा एफ इज वेरी 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 मच स्मॉलर देन एफ। और अगर हम इसको एम मास को एम सी स्क्वायर को एच एफ लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो मास भी बदलेगा। कम चेंज है कि मास कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट मान। हमने मास जीरो ही आ गया था और मास आ गया एच एफ बाय सी स्क्वायर जी डेल्टा एच, वरना इंटीग्रेट करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, डेल्टा एफ बाय एफ जी डेल्टा एच बाय सी स्क्वायर। अरे यहाँ तक तो अभी कुछ नहीं किया, अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, लेकिन एफ को कांस्टेंट मान लिया तो इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा। हाँ सर, समझ गए। तो एफ हमने इधर लेके कांस्टेंट कर लिया, तो डेल्टा एफ की वैल्यू एफ जी एच बाय सी स्क्वायर। यहाँ सर सर मैंने इंटीग्रेट किया था सर, उससे बिल्कुल करेक्ट जीरो आ रहा था। नहीं करेक्ट जीरो नहीं आएगा, देखो लॉग में आएगा अपना। कम आ रहा था बहुत, बता रहा हूं ऐसा बनता, देखो e की पावर -15 से मारा था। डेल्टा u इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच, यहां तक ठीक है। हां डेल्टा u एच डेल्टा एफ एम एच एफ बाय सी स्क्वायर जी डेल्टा एच, एच एच उड़ गए तो डी एफ बाय एफ इज इक्वल टू जी बाय सी स्क्वायर डेल्टा एच। इंटीग्रेशन कर दूं, एफ नॉट से एफ, जीरो से हाइट एच, तो इसका इंटीग्रेशन बना लॉग में आएगा, जीरो होगा, लॉग एफ बाय एफ नॉट। अभी समझा रहा हूं मैं क्या कहने वाला, जी एच बाय सी स्क्वायर, यहां तक ठीक है। हाँ। तो एफ इज इक्वल टू एफ नॉट ई टू दी पावर जी एच बाय सी स्क्वायर, यही आया था। लेकिन दिस टर्म इज वेरी स्मॉल, तो ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू 1+x होती है, पढ़ चुके हैं हम, तो इसको 1+x से रिप्लेस कर दें। ये करना था। ओके। अब आ गया? ओके सर। तो डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी आ गई? एफ नॉट जी एच बाय सी स्क्वायर। अपने आप वही आया आंसर। ओके सर। जो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान लेते तो आंसर आता। अच्छा। अब हैंस प्रूव्ड हो गया? यस सर। एफ नॉट है 7.3 × 10^14, जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी गिरी बच्चे की 22.5, C square, 9 × 10^18, ठीक है? जी सर। तो काट लो और क्या? ऊपर बचेगा 1.8 के करीबन आ रहा है, आगरा आ रहा है शायद आंसर में। चल। आ गया समझ में क्या कह रहा था मैं? हाँ सर। F not अगर आप यहाँ constant नहीं मानते, तो आप यहाँ मानते। समझ गया ना कहीं तो तुम ये करते फिर इसको tending to zero करते तो e to the power x को 1+x लिखना पड़ता। आ जाओ 31 2 3 4 31 31 बच्चे की वेलोसिटी है v2 तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v1 i कैप प्लस v1 i cap minus v2 j cap by 2 और शायद ये समझ गए होंगे कि इसकी वेलोसिटी बनेगी v2 minus v1 i cap plus v2 j cap by 2 equivalent opposite। Yes, इसका मॉड हमें पता है तो फाइनली अब जो लैम्डा डैश आएगा एच अपॉन एम इसको सिंपलीफाई करो v1 square plus v2 square ये देखो का अंडर रूट बाय 2 लिख सकते हैं। अब एच अपॉन एम v1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 था, एच अपॉन एम v2 इक्वल टू लैम्डा 2 था और ये वाली वैल्यू उठा के इसमें छाप दें लास्ट एक्सप्रेशन में
लैम्डा वन की वैल्यू उठा के छापो तो ये टू ऊपर चला गया, लैम्डा वन लैम्डा टू बाय लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर अंडर रूट, ये आंसर आ गया। यही ठीक है यस। इसको सर ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने मान लिया था कि दो राइट एंगल्स में मूव कर रहा था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी की जो होगी उससे रिलेट करता है। हां वही तो आई है ना, राइट एंगल में v1 और v2 का समेशन और v1 और v2 का डिफरेंस तो बराबर आता है ना मॉड में। चलो इसीलिए फर्क नहीं पड़ा। और कोई इसमें बाकी चले 32 हो गया। यस सर और कोई बताना है बोलो। चल तो अब दूसरी डीसीटी पे आ जाएं। सर लास्ट वाला 39th जो है उसमें, अरे यार मैंने बंद कर दिया आप बोल रहे हो। अच्छा मेरे में बंद नहीं हुई अभी। हाँ बोलो कौन सा है? एक मिनट, डीसीटी 3 नहीं डीसीटी 2 थी। क्या है 39 में दिक्कत? उसमें एक phi मतलब जो कांस्टेंट दिया नहीं है ना, जो बी प्लेट है उसमें उसका वो नहीं देनी चाहिए। दिया होगा, देखो शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 200 नैनोमीटर है तो 12400 बाय 2000, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये गिर रहा है। हाँ। The photo electrons are accelerated by potential difference 10 volt. Strike another metal at which radiation maximum wavelength of emitted photons is 100 nanometer. मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम। ये लिख सकते हैं? हाँ। इसका हाँ। मतलब इनकी एनर्जी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ। कौन से इलेक्ट्रॉन? हाँ। तो B से निकला 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम वर्क फंक्शन। नहीं इसका वर्क फंक्शन कहाँ दिया है? B का यहाँ से एनर्जी आएगी, यहाँ पे एनर्जी आएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 16.2 माइनस फाइ ए, कितने पे गिरेगा? अब इसमें से बी हमने माइनस कर दिया तो फाइ बी माइनस कर दिया तो जो काइनेटिक एनर्जी आउटपुट आई, ठीक है, यहाँ पे तो बस 16.2 माइनस फाइ की मैक्सिमम एनर्जी होगी जो निकलने वाली। फाइ बी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी शायद। Electrons strike another plate from which electromagnetic radiations, electrons strike कर रहे हैं। निकल photons नहीं electrons, minimum wavelength of emitted photon, तो maximum kinetic energy उनकी कितनी हो गई? ये 12.4 electron volt. सर उससे फर्क क्या पड़ा? मतलब अपन को work function तो तब भी चाहिए होगा ना कि electrons वहाँ से निकले। ये RHC की जरूरत तो हमें पड़ी नहीं रही, वो तो शायद वो 12400। ये बंद करो, ये कौन गाना चला रहा है भाई? कौन मजा चला रहा है? डॉट 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 से नाम है, असली नाम भी देखा। ओके लो वेटिंग रूम में चला गया। थर्टी नाइन कहाँ थे अपन? हाँ तो 39 में वैसे लग तो रहा है कि दिक्कत सी दिख रही है, कुछ कम सा लग रहा है। नहीं सर, द मिनिमम वेवलेंथ ओमिटेड फोटोन 100 नैनोमीटर है ना? यही तो है, यही इंफॉर्मेशन तो है। तो ये 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एमिट किया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके। इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक किए बी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, ये क्वेश्चन सिंपली एक मिनट बी में वर्क फंक्शन का केस नहीं है, ये एक्सरे का केस है। बी ऐसा है कि कोलिशन वाला है। हाँ बी में एक्सरे है। ये हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं वो इमीडिएट लाइट निकल रही है। इलेक्ट्रॉन रुक गए तो उनका एक्सरे।
और एक्सरे जब पूरी की पूरी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, 12400 बाय भी मिनिमम वो वाला कट ऑफ, कट ऑफ वाला तो इसकी एनर्जी थी कितनी, वो ऐसा इसलिए होता है ना कि फोटन के लिए, तो यहां 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन से लेके 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की एनर्जी आएगी, यस है ना। अब 12.4 इसके पास है तो मैक्सिमम 12.4 हो गई, तो ये वाला टर्म 12.4 के बराबर है, यहां सर आ गया 3.8। तो दरअसल इसमें यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बी साइड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, बी साइड एक्सरे, इलेक्ट्रॉन टकराए फोटोन निकले। इलेक्ट्रॉन टकराते हैं फोटोन निकलते हैं उसे एक्सरे कहते हैं, यही तो एक्सरे है। यहाँ पे हम टोटल एनर्जी चेंज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में, लेकिन इसमें जब फोटॉन्स कर रहे हैं तो एक टैक्स लग जा रहा है इसमें, और बची हुई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही। तो ये था, समझ गए, लेफ्ट साइड फोटो इलेक्ट्रिक और राइट साइड एक्सरे। सर डीसीटी थ्री आपने दी नहीं थी, मतलब आज दी थी, आज दी है सर, आज दी है मैंने, एचसीबी करनी है अभी, एचसीबी करनी है, जेई कॉर्नर भी करना है उसका, वो डीसीटी की क्वेश्चन आ जाता है सर, एचसीबी में डीसीटी के क्वेश्चन है, वो कल भी थे आज भी है, मतलब छह में से चार होने दो, कॉमन मैंने कुछ हटाए तो थे, उतना कॉमन में देख नहीं पाया हूँ, मैक्सिमम तो मैंने हटा दिए थे, पर वो अच्छे वाले ही कॉमन थे, सबसे लास्ट वाला सबसे अच्छा, अच्छी बात है, कम करना पड़ेगा अब, ओके ऐसे कम थे, वर्ल्ड टू और वो दिए थे, ये कैसी है, ये रगड़ दी पूरी। चलो इसमें क्या दिया था, ओएल2 ओएल2 किसने शेयर किया, ओएल2 हां ओएल2 में डाउट बताओ सर, फर्स्ट का बॉम्बे बता दीजिए, When stopping potential is applied in an experiment, no photo current is applied. The first का नीचे वाला नीचे. First minute. Sir chapter. OL2 ये है. Sorry. यहाँ से. चलो intensity अगर increase करेंगे तो per unit time आगरा बिल्कुल सही है. Total energy of photons emitted per unit time. ये तो सही है ना. Total energy. Yes sir. More energetic photons गलत. Faster photons गलत क्योंकि हमेशा speed c होगी. हमेशा per photon energy hf होगी. तो दरअसल नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स। चलो सेकंड रिपीटेड है, थर्ड में कोई डाउट, नो सर, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, सर सेवंथ का दिल्ली का आगरा, सिक्स्थ वाला बता दो, तो सिक्स्थ का आगरा, सिक्स्थ कलेक्टर प्लेट इन एंड इज कैप्ड वर्टिकली अबव द एमिटर प्लेट, लाइट सोर्स इज पुट इन ऑन सैचुरेशन, देखो ऑलरेडी सैचुरेशन करंट था, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देते हो मतलब इनडायरेक्टली आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, तो अब थोड़ी ना करंट तो अब कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे थे सबके सब पहुंच गए, सबके सब पहुंच गए, तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा भी दोगे तो इलेक्ट्रॉन तेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ जाएंगे पहले सारे, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन था इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 हैज प्रूव, यस सर, चलो से इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, नहीं सर, से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट था कि अगर फॉलोइंग द हेवियर ऑफ द टू पार्टिकल हैज स्मॉलर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो अपन को h अपॉन mv करना है, है ना, सेम स्पीड होगी तो भारी वाले का कम आएगा तो आगरा तो सही है, सेम लीनियर मोमेंटम तो गलत है क्योंकि आंसर सेम आएगा, मूव विद सेम काइनेटिक एनर्जी तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये, तो हेवी का यस सर, F fallen through same ये kinetic energy की जगह mgh जो कष्ट mgh बन जाएगा, yes, sir. तो फिर से ये m नीचे आ जाएगा, बाहर और आगे उठ के, ठीक है, चलो एक्सरसाइज में बोलो कौन सा वाला, फिफ्थ वाला, फिफ्थ हो गया, बी पार्ट, बी पार्ट तभी
हाउ मेनी फोटॉन्स आर, अरे बहुत महाटप्पा, एक क्लास में बताया था ये तो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये तो, फिर भी बता देता हूं, एक मीटर क्यूब में एनर्जी स्टोर निकालो, आंसर गलत दिया है, एचएफ से डिवाइड करो, भाई आंसर नहीं आ रहा, एनर्जी स्टोर्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी, एनर्जी डेंसिटी सही दिया है आंसर बिल्कुल, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 बाय एचएफ, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो हमारा आंसर आया इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, इंटेंसिटी, हां इंटेंसिटी बनी, ऊपर इंटेंसिटी बना, पावर इनटू एरिया, एचएफसी इंटेंसिटी दे रखी है, ये न्यूमरेटर है, एचएफसी निकाल ही लोगे क्योंकि वेवलेंथ दी है, डिवाइड कर लेना, करूं ऑर्डर बता दो कितना आ रहा है ऑर्डर, चलो 500 नैनोमीटर अगर देखते तो 5000 एंगस्ट्रॉम लिखा है, तो 12400 बाय 5000, ठीक है 2.48 बन गया ही, यस सर, तो एचएफ की वैल्यू 2.48, आई हमारा था 1.4 इनटू 10 पे 3, एचएफ है 2.48 इनटू 1.6 इनटू 10 पे माइनस 19, सी 3 इनटू 10 पे 8, ठीक है 8 और 3 तो ये बना 13.5, तो 10 पे 14 ऊपर बना, 1.4 बाय 2.5 1.6 3 इनटू 10 पे 14, तो 10 पे 13 का ऑर्डर आया, सही दिया यार, 14 बाय 2.5 इनटू 1.6 इनटू 3 ये बना 4, सही है सही, 4 का 3 गुना 12 1.2 इनटू 10 पे 13 ये आंसर आया, ठीक है yes, चलो और बोलो कौन सा था, सेवेंथ, बताना है, चील है, आई बाय सी आंसर होता अगर प्योर एब्जॉर्प्शन होता, यस 70% एब्जॉर्ब हो रहा है 0.7 यस वॉइस ऑफ 0.3 ये झल गया, रिफ्लेक्ट किया क्योंकि 0.3 रिफ्लेक्ट हुआ, ये 0.3 वाला डबल आएगा, तो ये आंसर आ गया 7, ये आई बाय सी हम हमेशा लगा सकते हैं लैम्डा 2 लाइट के केस सर, 12th शो दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाई हो जाएगा या एनर्जी डिफाई हो जाएगा, बताता हूं, देखो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 12th कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अच्छा हाँ, ये वैसे अगली क्लास में आएगा, ये अगली में दिया था आपने, अपनी दिया ही नहीं था, ये अगली क्लास में दिया नहीं है, बता दीजिए एक बार, अगली क्लास में, अगली क्लास में यही पढ़ोगे, आइसोलेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो सकता, एटॉमिक कोलिजन में आएगा ये, ओके सर, ऐसे सही है कि आइसोलेटेड है तो या तो मोमेंटम एनर्जी दोनों कंजर्व होने चाहिए, दोनों एक साथ कंजर्व नहीं हो पाते इसमें, हां हां, तो हम क्लास में ये करेंगे प्रूफ, है ना, और नहीं आए समझ में तो फिर बोलना, सर कोलिजंस के साथ आएगा ना, हां एटॉमिक कोलिजन कौन सा 27 मिल गया, चलो डाउट बोलो, सिल्वर बॉल ऑफ रेडियस, हां ये इस तरह के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग थे, क्वेश्चन कैसे कि मैंने ऐसे वाले कराए, कंडक्टर है वो, कंडक्टर हाल इन दो, हां ये कंडक्टर है, इस पे लाइट गिर रही है, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना चार्ज आ जाएगा, ये लाइट गिर रही है, स्क्रीन गई, गायब हो गई, आ गई वापस आ गई, हां सर, हां तो इस पे ये फोटोन गिर रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे इसमें से, तो फोटोन गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके वापस आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, हाँ जी, और बाहर निकलेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, हाँ, तो अगर इसके n इलेक्ट्रॉन इमिट हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, तो इस पे n e का पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाँ, इसका पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 n e by r, लिख सकते हैं r, बिल्कुल, हाँ. ये पॉजिटिव पोटेंशियल फर्दर इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक लेगा, हाँ. और कब रोक लेगा, जब ये एच एफ माइनस वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा, ये सोचो, काफी अच्छा क्वेश्चन, पोटेंशियल इनटू ई आएगा ना वो तो, हाँ वही तो एन ई स्क्वायर होगा, अरे एन ई स्क्वायर, ठीक, हाँ ये ई है अपॉन ई, हाँ सर, जब पोटेंशियल उसके
इसको ऐसे न्यूमेरिकली देख लो तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, कि अगर यहाँ से जो लाइट गिर रही होती वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती, इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0 के बीच में होती, लेकिन अगर कोई 4 वोल्ट का पोटेंशियल इसको स्टॉप कर दे तो ये रुक जाएगा, क्योंकि चार्ज निकल रहे हैं धीमे धीमे, ये प्लस हो रहा है, तो खुद ही स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम करेगा लेंज लॉ के हिसाब से, प्रोसेस को रोकेगा, और जब ये खुद ही 4 वोल्ट का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे जाके वापस आ जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। हाँ सर। इन्फिनिटी पे जाके। ओके। इसका मतलब इसका पोटेंशियल हमें 4 वोल्ट चाहिए, तो हम लिखते K Q by R की वैल्यू 4 वोल्ट लिखते, तो फिलहाल स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, HF माइनस वर्क फंक्शन बाय E, ये भी स्टॉपिंग है, ये खुद स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम करना चाहिए, तो 1/4πε0 NE/R ये हमारा भी स्टॉपिंग, HF माइनस पाई बाय, पूछा क्या है इन्होंने, टाइम पूछा है क्या सर, इन्होंने दे दिया है पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल तो यही आ गया लो, और चूंकि कंडक्टर है तो सेंटर पे वही होगा जो सरफेस है, इसमें ये पूछ सकते थे कितनी देर बाद फोटो इमिशन स्टॉप हो जाएगा, तो हम एन को लिखते जितने पर सेकंड निकलना है रेट इनटू टाइम, वही करना पड़ेगा कि फायदा नहीं होता, वैसे फायदा नहीं है इसलिए हमें वही करना पड़ा, वही करना पड़ा, इन्फिनिटी तक वापस क्यों आएगा सर, तब इन्फिनिटी तक क्यों जाएगा, अगर इसके पास वोल्टेज 4 वोल्ट है और इसके पास स्पीड आ गई तो काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, उसको खत्म करने में इसको डिस्टेंस करना पड़ेगा कुछ, अच्छा तो 4 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है तो इन्फिनिटी तक चला, अच्छा डिफरेंस 0 और उसके बीच में, तो इसे फोटो एमिशन स्टॉप होना कहेंगे, बिल्कुल रीअब्सॉर्ब हो गया तो स्टॉप हो गया, इन्फिनिटी तक चला गया मतलब काफी दूर तक ही, हाँ तो फिर वापस आ गया ना, तो वापस से चार्ज कंजर्व हो गया ना, अब इसका वो तो तब लीकेज तो तब कहेंगे जब वापसी कभी ना आए, बट इन्फिनिटी तक थोड़ा सेंस नहीं लग रहा, इन्फिनिटी पे वोल्टेज लग रहा मतलब, मतलब इन्फिनिटी का अगर वो चला गया मतलब काफी दूर तक चला गया तो वापस ही तो आएगा कभी ना कभी, इन्फिनिटी से अभी तो सब और ये जो ही चला गया तो इसका वोल्टेज 4 वोल्ट से बढ़ गया, जब वापस आएगा इसका वोल्टेज कम कर वापस से 4 ले आएगा, ओके ओके कंटीन्यूअस प्रोसेस है, समझ गए ठीक है, इसी का शायद दूसरा क्वेश्चन आपको, इसी का एनालॉजी क्वेश्चन ये है, कैपेसिटर ये प्लेट ग्राउंडेड है, इस पे हम फोटॉन फेंक रहे हैं, ये HF फेंक रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर चिपकते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस कभी ना कभी बंद हो जाएगी, वजह क्या, क्योंकि इस पे प्लस आते जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होगा, वही लीनियर वेरिएशन टाइप का q बाय एप्सिलॉन नॉट a इनटू d होगा, और ये h माइनस वर्क फंक्शन होगा, और चार्ज q को नम n इनटू e लिख सकते हो सर, दूसरी वाली प्लेट ग्राउंडेड है तो वो तो चार्ज देती जाएगी ना, नहीं तो इसीलिए तो इस पे नेगेटिव उस पे प्लस आता जा रहा है, एक मिनट ग्राउंडेड है और ग्राउंड क्या चाहता है, टोटल चार्ज जीरो हो जाए तो टोटल जीरो है ना, हाँ, अच्छा, हाँ सर, हाँ, क्या डाउट है, नहीं टकराना है तो इसको यहाँ से घुमा दो, काइनेटिक एनर्जी शायद HF माइनस वर्क फंक्शन, अच्छा ऐसा क्या, मैंने सोचा कि स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ है, नहीं 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 सर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन का, सर एक मिनट, इस पे मेटल से टकराएंगे तो फिर इसमें कैसे कंडक्शन, कैसे होगा कंडक्शन, किस क्वेश्चन में, मतलब कंडक्शन मतलब एमिट, अरे जब ये टकराएंगे तो पाथ कंप्लीट हो गया और यहाँ से जाके वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई जाने से पहले ही रोक दे इनको तो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, देखो ये रीअब्सॉर्ब हो गया ये, लेकिन जो इससे टकरा गया उसको पाथ मिल गया वापस आ गया, ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन था ये, और कोई बोलो सर। वो प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी था ना कि हमारा 31 ही है, 31 ही है वही क्या? एक ही प्लेट है बस थोड़ा सा वैसे ही, अच्छा वैसा ही है, इप्सिलॉन नॉट से निकालेंगे ना, इसमें बस सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट यूज होगा इलेक्ट्रिक मेटल है ना। ये देखो ये करना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सर, ऐसे क्या ऐसे कर देता हूं मैं, कर ही देता हूं 31 अ स्मॉल मेटल प्लेट इज कैप्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लार्ज मेटल प्लेट हैविंग चार्ज डेंसिटी दिस ऑन द सरफेस फेसिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सीजियम प्लेट फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रीचिंग द लार्ज प्लेट। ये तो आसान है, उतना वैसा नहीं है क्वेश्चन। ये है यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जब ये यहां पहुंचेंगे ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ये दरअसल वोल्टेज का काम करेगा एक्सीलरेटिंग, सोचो एक्सीलरेटिंग की वैल्यू सिग्मा बाय कंडक्टर है क्या? नहीं ऑन द सरफेस एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आ गया समझ में। तो ये भी एक्सीलरेटिंग है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां से जो निकलते उनकी जीरो से काइनेटिक एनर्जी एचएफ माइनस फाई रहती, कंडक्टर मानना पड़ रहा है वो क्योंकि मेटल ये ऐड हो जाएगा। हाँ लार्ज मेटल प्लेट, मेटल प्लेट ही तो लिखा है, मेटल है ना, मेटल प्लेट लिखा है, लिखा है। हाँ तो ये टू हटाओ, लिखा है मेटल प्लेट, तो समझ गए, तो वी एक्सीलरेटिंग ये है तो ई भी एक्सीलरेटिंग जुड़ जाएगा, तो आंसर आएगा ई भी एक्सीलरेटिंग से लेके ई भी एक्सीलरेटिंग प्लस एच एफ माइनस फाइव। ठीक है, और वी एक्सीलरेटिंग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस, समझ में आया? यस सर। करूं तो बार बार धोखा हो जाता है, थिंग से कोई मतलब नहीं है, मेटल लिखा है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। करूं अब कैलकुलेशन? नहीं अब नहीं, हो जाएगा सर। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि, चलो अब आ जाओ अपन कहाँ थे? अ मेटल प्लेट इज कैप्ड एट डिस्टेंस डी फ्रॉम सिंगली आयोनाइज्ड फिक्स्ड एटम इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट सो दैट सम ऑफ द, हाँ तो ये है ना, तो इसको हमें स्पीड देनी है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के क्यू क्यू और दूसरा क्यू ई है अपॉन आर स्क्वायर। क्या समझे? इससे हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिली? के क्यू बाय आर इनटू ई का ट्वाइस नीचे ई पे स्क्वायर, नहीं नहीं, और यही है एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। यस सर। तो इसकी वैल्यू के क्यू बाय टू आर इंटू ई, बस यही इसी फॉर्म में आंसर छापना, डिवाइड बाय टू क्यों किया सर आपने के क्यू के? अरे यार एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैसे बनेगा, जैसे इसी फॉर्म में आंसर सर क्यू की वैल्यू वैसे ई दे रखी है। ओके ठीक है, जरूरत नहीं कट जाएगा, कटेगा कौन सा कट जाएगा? नहीं कटेगा, यही तो एक्सप्रेशन है, यही आंसर है। हालांकि उन्होंने लैम्डा पूछा है तो इसकी जगह एच सी वाई लैम्डा करना है बस, बस और के को 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छापना। हो गया बाकी सर 35 में एक चीज पूछनी है, 35 वही नहीं है क्वेश्चन जो उसमें था इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, कर रहा है यार, होना चाहिए गेट पे लेना, कर रहा कर रहा कर बी वाले का 3 आंसर, 3 आया लेकिन 4.2 आंसर 4 आएगा ना, 3.2 आ रहा, नॉट टू आ रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन नॉट टू, 3.2 सॉल्व करने पे आया तो तीसरे कोलिजन पे तो निकल गया ना, चौथे पे रुकेगा, रुक जाएगा 4 हो। अपन आ गए टीसी कॉर्नर, जेई कॉर्नर कल भी आपकी क्लास है, जेई कॉर्नर हां केटीजी का, जेई कॉर्नर केटीजी का है, थर्मो भी तो केटीजी की बुकलेट मैंने डाउनलोड की थी सर, कल भी आपकी क्लास है। यस
लेक्चर आज रात में आएगा? सर रात को मत डालना, बहुत काम है, काफी काम है, सुबह देख लेना, इसको नहीं देखना, इसको देखना और देख लेना, नहीं तो सुबह देख लेना, रात को डाल देना, तो डाल देना, अरे रात को डाल दीजिएगा। हे थर्मोडायनेमिक्स के नाम से होगी पूरी की थी, क्रोम में किया होगा कोई, ठीक है, ये यही है ना? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोस्ट तो ये बनेगा कितना, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर टू के टी बाय एम के टी, मोस्ट प्रोबेबल पूछिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखा, ओके सर, चलो सेकंड का आंसर हो गया, आंसर कीज नहीं थी देख लेते क्या देख रहे हो, एक मिनट, क्वेश्चन पे आ जाएं, अब अपन सेकंड स्प्लिट स्क्रीन कर ली, स्प्लिट स्क्रीन इसमें होती है डायरेक्ट, नहीं इस पे नहीं होती, वो आपको उसको डुप्लीकेट करके न्यू टैब पे खोलना पड़ेगा, फिर आपको विंडोज पे करना पड़ेगा, विंडोज पे होना पड़ेगा, इसका न्यू विंडो खोलनी पड़ेगी, डुप्लीकेट कर दीजिए, ओपन इन न्यू विंडो आता है उसमें ऑप्शन, तो आंसर उस पे क्लिक करके टैब में सेट कर दीजिए, आ गया आ गया, और नीचे टास्क बार पे ऑप्शन आता है स्प्लिट स्क्रीन, वो खुद से करते हैं, कंट्रोल एंड से डायरेक्ट नहीं होता, कंट्रोल होता है, वैसे ही से देखना, सर जवान से देखना होगा तो उस पे क्लिक करके ना आ जाएगा, सर इससे तो ग्रुप पे शेयर नहीं कर दिया आंसर की, हां तो कर दूंगा ना, अभी तो कर दो स्क्रीनशॉट लेके, लो कर दी ये 30 तक ही है, देखो कितना मजा आया, 30 तक है ना, तो सेकंड का आंसर मैच कर रहा है, यस मान लो हाइड्रोजन और हीलियम कर रहा है, एक्स वाला एक्स मान के वो मोल निकाल के कर लो, चलो थर्ड में, अरे यार ये लोग मिनिमाइज कर दिया मैंने, अब देखते हैं ना, तुम लोगों के पास तो है नहीं आंसर, तो वो आ तो चुकी है फोटो, ग्रुप पे आ चुकी है ना, टेलीग्राम पे आ गई, उसी को खोल लेता हूं मैं, सर वैसे मतलब कैलकुलेशन जी नहीं, बस ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट से नहीं था, हां कैलकुलेशन, हां तो नहीं आता ना, ऐसा कुछ होता भी नहीं, पीटी में बस थर्ड हो गया, हो गया यस सर, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो फिफ्थ के सेकंड पार्ट में मेरा 20% एफिशिएंसी आ रही थी, नहीं सिक्स के सेकंड पार्ट में 10% आ रही है फिफ्थ में, तो इतनी आ रही, ये तो सीधे सीधे आ जाएगा रे, अमाउंट ऑफ क्यू इन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये नीचे आएगा, हाँ वही किया था मैंने, वर्क डन पॉजिटिव ये ऊपर आएगा, तो वर्क डन आएगा इनका डिफरेंस, ये तो इन दोनों को जोड़ दो, ये घटा दो, हाँ ठीक है ओके करूं, नहीं नहीं ठीक है ओके आगे, चलो सिक्स सेवेंथ आ गया, या सेवेंथ तो नहीं बताना, सेवेंथ का लास्ट वाला, हाँ सेवेंथ का लास्ट वाला, बहुत सारे एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी बर्न अपॉन बल्क मॉडुलस ही एडियाबेटिक, और बल्क मॉडुलस गामा पी था, यस, और कंप्रेसिबिलिटी के वन अपॉन बल्क मॉडुलस होती है, तो चेंज इन के इज इक्वल टू वन अपॉन गामा पी टू माइनस वन अपॉन गामा पी वन, ठीक है, ये इलास्टिसिटी में आएगा कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस याद होना चाहिए, नहीं इलास्टिसिटी में याद हो जाएगा, नहीं याद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं,
इससे निकालेंगे हम हमेशा, याद करने की जरूरत नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वो भी इससे निकाल लेंगे। हाँ ये याद रहेगा कि माइनस डेल्टा डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वी बाय वी, ये अपने आप याद हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली नहीं आया हो समझ तो पूछ लो, जैसे ये सोप बबल नहीं सर, कैलकुलेशन वाला ही थे, कैलकुलेशन इश्यूज था सर, ये तो इश्यू था बेकार सर। एक बार 17 वाला बता, ये वाला नहीं हुआ था, ये सरफेस टेंशन बता दो 11th, ये भी वही इलास्टिसिटी वाला पार्ट मैंने पूछा सर, ये कैसा है तो 11 छोड़ना है। चलो 12th चले हो गया चले चले प्रेशर तो कैलकुलेट कर सकते थे 11th में, 13 14 15 इस पेज पे। हां सर 16 तक प्रेशर हो गया सर, वो 16 तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, नो सर, कोई दिक्कत 17 18 19 17 वाले को ओके। टू वेसल्स थर्मली इंसुलेटेड कंटेन अ स्मॉल ट्यूब फिल्ड विद वेसल इनिशियली, द वेसल फाइंड द वेसल बी नाउ ओपन, न्यू प्रेशर न्यू, तो इंटरनल एनर्जी से टेंपरेचर निकाल लेना, और उससे ये नहीं आ रहा था उससे क्या? इसका 2 लीटर और दूसरे का वॉल्यूम 4 लीटर, तो फाइनली इसके नंबर ऑफ मोल्स पी वी बाय टी और इनिशियली P1V1/T1 P2V2/T2 इनिशियल आ गया ये, और टेंपरेचर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करके, वो सॉरी एनर्जी कंजर्व करके। ये तब तक कर सकते हैं ना जब वर्क डन, वर्क डन जीरो, और तो वर्क डन तो सिस्टम का जीरो ही है, आपस में एक ही तो खेल रहे हैं, ये इसको दबा रहा है और कोई सोर्स ना हो। हां सर, तो वर्क डन से कर सकते थे इसे, कैसे वर्क डन कैसे निकालते यार, यहां पिस्टन कोई मूव कर रहा है, एनर्जी कौन से? नहीं मतलब उससे चेंज अंटिल एनर्जी इंटरनल, नहीं इसको हम ऐसे सोचेंगे, जब हम जैसे ये क्वेश्चन करते थे पिस्टन फ्री टू मूव होता था, तो इस वाले हम ये मान लेते थे इसका वर्क और इसका वर्क आपस में कट गए हैं, याद आया? हां वो तो सेम ही होता है, तो ओवरऑल सिंगल सिस्टम मान लो तो वर्क मिल ही नहीं रहा कुछ, हां सिंगल सिस्टम पे वर्क डन जीरो मान लिया। हां ठीक है, तो वैसे ही लगभग हमने ये माना कि ये जब मिक्स हो रहे हैं तो हमने मिक्सिंग में वर्क डन जीरो मान लिया, और डेल्टा क्यू बाहर से हम हीट दे नहीं रहे हैं इसीलिए एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट मान लिया। ओके, मान लिया कि इतने जल्दी मिक्स हो गया कि बाहर से एनर्जी लेने देने का मौका नहीं मिला। ठीक ठीक है, चलो 18 19 20 हो गया सर। 18 तो शायद वो है कैरनॉट इंजन, हां उसकी एफिशिएंसी पूछ रहा है, करा हुआ है ऐसा क्लास। हां चलो 19 20 21 22 चले चले सर, चले सर 23 से 26 ऐसा कुछ चलो, और क्या काम था? तो आज का होमवर्क बचाया अब है ना, तो कर लो, कल अपन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, वो बता दो किस क्वेश्चन का? 74 का से आ गया नहीं, उसका आंसर नहीं दिया, आंसर की मैं उसका बी दिया हुआ आंसर, क्या पता है रटे थे बैठ, ये तो निकालना पड़ेगा रे, सब पाई आ रहा था वैसे, इंटीजर आएगा इसका आंसर जो भी है, पाई आ रहा था वैसे इंटीजर, कितना पाई पाई इंटीजर आ रहा था, नहीं नहीं खेल रहा तुम्हारी तो, तीन पाई तीन के क्लोज है ना, तो क्या दिक्कत है? नियरली पूछा है, नियरली पूछा, नियरली तीन लगा दी, ये अब मैं जब दूंगा तब सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक चलो, तो छोटा सा काम है, कल अपन करेंगे एटॉमिक कोलिजन, तो कल एक से एक साथ नहीं, क्या क्या एक से और एटॉमिक दो दो टॉपिक चल रहे थे,
एक्सरे और एटॉमिक, फिर से बोलो क्या कहा है? मुझे लगा दो दो चैप्टर चल रहे हैं ना, मतलब दो दो डीसीटी एक साथ मिल रहे हैं ना, तो कल कॉलेज देखते हैं वो, अभी मैंने देखा नहीं एटॉमिक कॉलेज वैसे, मतलब नोट्स नहीं बनाने पड़े ना तो बहुत ज्यादा कम टाइम लग रहा है देखने में। हां हां नोट्स बना रही नहीं अभी तो, बस देखना है। एटॉमिक कोलिजन क्या है? एटॉमिक कोलिजन में दो हाफ है, एक घंटे का है और एक है आधे पौने घंटे। उसमें थोड़ा प्रीवियस बताया था अपने सेंटर ऑफ मास, पहले घंटे में सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, पर वो याद है मतलब, अगर वो याद हो तो सीधे दूसरा पार्ट देख लेना। नहीं है सर, इंस्ट्रक्शन ऐसे दे दूंगा कि सेकंड पार्ट देखो और अगर लगे तो फर्स्ट पार्ट देखो और समझ में आ जाए तो इग्नोर मार दो उसको। सर फर्स्ट पार्ट में कुछ नया तो नहीं है? भूल गया, नया नहीं है, नहीं अरे ऐसे क्वेश्चन ये वाले समझाए हैं ये। हाँ, उसमें सेंटर ऑफ मास जुगाड़ है, हालांकि ये न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं यूज करूंगा ये चीज, जुगाड़ है उसमें, बताई थी इसमें आपने ना। हाँ, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करूंगा, रिवाइज तो करना है, देख लेंगे, देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। हाँ है ना, मैं भी लेक्चर डाल दूंगा, थोड़ी आवाज साफ आप करके डाल दूंगा सर। रात को डालोगे? हाँ रात को ही डाल देना, आठ बजे तक, आठ बजे तक डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अपन मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ, है ना? सर अभी रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा मेरी में शुरू। ओके ओके ओके, डाल दे रहा हूँ। चलो बाय बाय, बाय सर। सर डाउट देख लेना टेलीग्राम। बाय सर। डाउट कब भेजा? मैंने अभी सर, अभी भेजा मेरा, नहीं मेरा दो तीन दिन का डला हुआ है। अरे क्या आप भूल गए? आप भूल गए थे शायद, देख देख सीन करके देख, ये ओके सर, ओके सर, अरे नीचे चला गया वो, दो तीन दिन पहले का डला हुआ था वो। मुझे तो अभी भी, क्या नाम है तुम्हारा? जयांश रंगवानी। देवांश? जयांश। जयांश आज चीज पे थोड़ी चला गया, जयांश है ही नहीं। अच्छे नहीं मैं सर्च कर लेता हूं, सर्च मार लेता हूं, आज चीज में चला गया। ये रहा, हां ये रहा, देखो सर दो दो डले हुए मेरे पुराने। हां घूम ही गए हो तुम, याद दिला दिया करते। हां वो नीचे चला गया होगा, और हां वो रैग, वो टेस्ट से पहले डाला था, तो डेंसिटी डबल आ रही है, तो गलत आ रही है तुम्हारी, तो तभी तो पूछ रहा था क्यों आ रही है। क्या है ये क्वेश्चन, ये बताओ बिना क्वेश्चन दिए कौन सॉल्यूशन देता है? ऊपर है ना सर, ऊपर क्वेश्चन भी तो भेजा है साथ में। एक मिनट में पहले वो कर लूं, मीटिंग रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।